के हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी रैली से उद्घाटन किया, तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेन सिंह हुड्डा ने कहा कि हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन भूपेंद्र हुड्डा की देन है और कांग्रेस सरकार में ही इसकी नींव तैयार की गई थी। मंगलवार के दिन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद इस ट्रेन में सवार होकर हांसी से रोहतक पहुंचे। ट्रेन के सफर में टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की। हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की धरती से इस रेल लाइन का उद्घाटन किया। अब कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसी ट्रेन में सवार होकर अपने लोगों के साथ ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपेंद्र सिंह जी, हिसार के इलाके के लिए, महम के इलाके के लिए, हांसी के इलाके के लिए कह सकते हैं कि पीढ़ियों का ये सपना था जो आज पूरा हो चुका है। मैं समझता आज मेरे को बहुत बेहद खुशी है, इलाके को बहुत खुशी है, मैं सबको बधाई देता हूँ। एक इस सोच के साथ कि ये जो हिसार महम रोहतक, ये जो पूरा कॉरिडोर है सिरसा डबवाली तक, ये विकास की धुरी बने। जैसे दिल्ली की एक और जीटी रोड है चंडीगढ़ तक क्षेत्र के अंदर बहुत निवेश हुआ, दूसरी ओर जयपुर तक बड़ा निवेश का केंद्र बन गया, लेकिन ये हरियाणा का जो हिस्सा था, यहाँ कनेक्टिविटी की वजह से उस रूप से ये क्षेत्र विकास की धुरी नहीं बन पाया। इसी सोच के साथ मैंने ये 4 लेन 6 लेन हाईवे डबवाली तक मैंने मंजूर कराया था और इस रेल की लाइन को मंजूर कराया था। भादुगढ़ तक मेट्रो, हिसार एयरपोर्ट और महम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये सारे परियोजनाएं इसी सोच के साथ मैंने मंजूर कराई थी। और मुझे खुशी है जिस परियोजना को 2012 के केंद्र के रेल बजट में जिस परियोजना को मंजूरी देने मिलने का काम हुआ था, आपने देखा होगा रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी ने अपनी बजट के भाषण में कहा कि देश में केवल मात्र 4 रेल की लाइनों को मैं बजट दे रहा हूं, मंजूर कर रहा हूं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आधे से ज़्यादा खर्चा खुद करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का, उन्होंने कहा इसका खर्चा हम खुद करेंगे इस रेल की लाइन का। उस आधार पर केंद्र सरकार ने इस रेल बजट, अपने रेल बजट में 2012 में 400 करोड़ रुपये का धन आवंटित करके रेल की लाइन को मंजूर करने का काम किया। और 2013 में जब रेल मंत्री बदले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पहुँचे, स्वयं हांसी में रेल रोड रैली हुई और इसका शिलान्यास करके सेक्शन 4 और सेक्शन 6 करके काम शुरू कराने का काम किया, टेंडर हुए। दुर्भाग्य से लेकिन उसके तुरंत बाद जब सरकार बदली तो ये रेल की लाइन के कार्य में जो तीव्रता आनी चाहिए थी नहीं आई और सरकार ने इसको रोकने का काम किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी फाइल गुम हो गई है। सेक्शन 4 सेक्शन 6 केंद्र सरकार कर रही है, किसान से जमीन एक्वायर कर रही है, रेल का टेंडर हो चुका है और आप कह रहे हैं कि इसकी फाइल नहीं मिल रही। उस वक्त मैंने तुरंत डाक के माध्यम से वो फाइल भी उनके पास भिजवाई और प्रेस के माध्यम से भी, आपको याद होगा, और हांसी में और रोहतक में हमने धरने दिए। इत्तेफाक से जब ये फाउंडेशन रखा जा रहा था और वो धरने किए जा रहे थे, उस समय विनोद बिहाना जी हमारे CPS थे, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने क्या क्या बोला उस पर, अपनी क्या उनका भाषण रहा होगा, मैं उसके कोई वीडियो को मैं रिलीज करने में विश्वास नहीं रखता क्योंकि उनकी अपनी गरिमा है। लेकिन जब आज भाजपा वाले ये झूठ बोले तो कम से कम, क्योंकि वो साक्ष्य थे, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ईमान होता है। तो दुख की बात ये कि भाजपा वालों ने तो केवल इवेंट किया और इस सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी उसका प्रतीक इस बात का है महेश जी कि 10 साल की सरकार के बाद, यदि प्रधानमंत्री जी को चुनावी सीजन में 10 साल पूर्ण होने के बाद अगर बुलाया गया हरियाणा में, तो हमारे द्वारा रखवाए गए आधारशिला और हमारे द्वारा मंजूरशुदा कार्य और जो हमारे समय जो काम किए गए थे उनका फीता कटवाया जा रहा है। यानी कि 10 साल में आपने कोई परियोजना ऐसी तैयारी नहीं करी हरियाणा को जो हरियाणा को समर्पित कर सके। चलिए, हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन को लेकर बात कही जा रही है कि बजट इस रेलवे ट्रैक को लेकर आवंटित किया गया था और इस इलाके को विकास की रफ्तार देने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे अहम भूमिका है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, रोहतक।